हेलो एवरीवन जय हिंद वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस गाइस हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे अपने मार्च का 2021 जिसके हमने 100 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 101 जीरो वन टू वन सो लेट स्टार्ट विद इट क्वेश्चन है हमारा गहिर माथा मरीन से या गहिर माथा बीच से रिलेटेड सो so, गहिर माथा मरीन सेंचुरी इज लोकेटेड इन उड़ीसा गहिर माथा बीच इज एक्लेम्ड एज लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव तो इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट आंसर पूछा हुआ है और हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काम टू म्यूटेशन से रिलेटेड काम टू म्यूटेशन आर नॉन टू कॉज सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट कार्डियोकर ड्यूरिंग टू इज अ प्रोटीन दैट इज एनकोडेड बाय दी काम टू जीन इन ह्यूमंस तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कौन सी है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किंग भूमि भोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड से रिलेटेड ए टेक्नोलॉजीज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन दैट रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सॉइल्स सॉइल डे है तो उसी से पता चल रहा है कि सॉइल की अवेयरनेस करते हैं उनके लिए होता है तो करेक्ट है दिस अवार्ड इज लॉन्चिंग ट्वेंटी नाइनटीन सो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट बताने गलत कौन सा है तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत इसलिए है क्योंकि इसको लॉन्च ट्वेंटी नाइनटीन में नहीं बल्कि ट्वेंटी एटीन में किया गया था दो हज़ार अठारह में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया इट इज रिलीज ओनली बाय द नीति आयोग इट हाईलाइट द रोल ऑफ फाइनेंस इन इंडिया ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गलत कथन हमारा कौन सा है तो so, यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज रिलीज ओनली बाय द नीति आयोग नहीं ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये सिर्फ नीति आयोग के द्वारा नहीं बल्कि उसके साथ एक रॉक माउंटेन फाउंडेशन है उसके द्वारा भी नीति आयोग के साथ इसको रिलीज किया गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओनली वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क से रिलेटेड द डेस्क विल भी मैनेज अ पुलिस एन ऑफिसर एंड अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज अ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इट विल बी द फोकल पॉइंट फॉर ऑल ग्रीवेंस रिट्रेसल वायलेंस डिसक्रिमिनेशन एक्सेट्रा अमंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तो इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन मेडिसंस फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड इट इज ओनली सी पी एस सी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सी पी एस सी कैस सेंट्रल पब्लिक सर्वे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज द प्राइजेज आर फाइनलाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सना इज अस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट हैज अ डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चुरल कैरेक्टर मोस्ट नोटेबली एक्सप्रेस इन इट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स डेकोरेटेड विथ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स तो, यहां पे C, so तो यहाँ पे भी हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट आंसर पूछा गया तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगोरगढ़ फोर्ट से रिलेटेड सो इट इज़ अ हिल फोर्ट ऑफ गोंदवाना किंगडम एंड इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट वन करेक्ट है तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली वन सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है सिंगोरगढ़ फोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देवारा काडू ऑफ कूर्ग देवारा काडू क्या है इट इज़ अ सेक्रेड फॉरेस्ट इज अ स्मॉल फॉरेस्ट लाइक ग्रूव मार्क्ड एज द एडोब ऑफ द लोकल डिटीज देवारा काडू सेक्रेड फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन केरल तो इनसे हम इसमें हमें करेक्ट इस स्टेटमेंट पूछी गई है सही कौन सी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली वन क्योंकि हमारी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि ये जो सेक्रेड फॉरेस्ट है ये केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एन सो इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये 2010 में एक एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है द चेयरमैन ऑफ एन जी टी इज़ अपॉइंटेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इस स्टेटमेंट को बहुत से बच्चे सही मार्क कर देंगे लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो जो चेयरमैन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के बाद मतलब उनसे कंसल्टेशन के बाद उनसे कंसल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर एन को अपॉइंट कौन करती है चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पी सी एज अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैक्स विद वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स पुट अंडर वॉच बाय द आर बी आई इट एम्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ द सैलरी अलाउंस ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट द स्टेट इलेक्शन कमीशनर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली टू क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी स्टेटस सैलरी अलाउंस सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वेलेंट नहीं होती बल्कि हाई कोर्ट के जज की इक्वेलेंट होती है राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द एम ऑफ द एक्ट वाज टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप द एक्ट डिक्लेयर्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर करेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन ऑगस्ट 15 1947 मतलब कि जब हमें आज़ादी मिली थी तब जिस तरीके से था वैसे ही होगा तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड दीज बॉन्ड्स आर वेल विच आर वैलिड फॉर फिफ्टीन डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो इस क्वेश्चन में हमें बतानी है इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बतानी है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली टू अब सेकेंड स्टेटमेंट गलत क्यों है एक छोटी सी चीज़ है कि ये बॉन्ड फिफ्टीन डेज के लिए तो वैलिड होते हैं लेकिन फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से नहीं बल्कि उस वो बॉन्ड जब इशू किया गया है उसकी डेट ऑफ इशुएंस से फिफ्टीन डेज तक वैलिड होते हैं जब उस बॉन्ड को इशू किया गया है तब से पंद्रह दिन लगाए जाते हैं तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी ओनली टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक गो इलेक्ट्रिक कैंपिंग से रिलेटेड इट इज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पार्क इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेज ऑन बेनिफिट्स ऑफ अडप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायसेज तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन वन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड

जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल करेक्ट है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ट्राइबल से रिलेटेड तो इसको कौन इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया तो आंसर होगा ऑप्शन है ओनली वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राशन कार्ड से रिलेटेड राशन कार्ड इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू हाउस बिल्कुल करेक्ट है अंडर दफ एस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू आइडेंटिफाई एलिजिबल हाउस होल्ड अंडर दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड इट इज़ रिलीज बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल द जी जी एच आई स्कोर्स आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट कैप्चर्स थ्री डायमेंशन ऑफ हंगर इन सफिशियंट कैलरिक इंटेक चाइल्ड अंडर न्यूट्रीशन एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू अब ऑप्शन बी क्यू है फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि इसको रिलीज एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं बल्कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम एयर बैटरी से रिलेटेड एल्यूमिनियम एयर बैटरीज यूटिलाइज ऑक्सीजन इन द एयर विच रिएक्ट्स विद एन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू ऑक्सीडाइज द एलुमिनियम एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करंटली इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लिथिन आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेटेंट प्रोसिक्यूशन रिलेटेड इट इज ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन दिस प्रोग्राम लीड द इमेंट इन क्वालिटी एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू है हमारा विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रांटेड वेन अ नीड हैज अराइज इन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कॉन्टेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर मतलब कुछ और ज़्यादा चाहिए सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर आ गया जो बजट में नहीं है तो वो होती है हमारी एडिशनल ग्रांट तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए एडिशनल ग्रांट इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामर स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनेमिक रिडक्शन कैंपेन इट इज लॉन्च बाई दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सामर हैज बीन लॉन्च विद अ थाउजेंड डेज टारगेट अंडर विच एनुअल सर्विस विल बी कंडक्टेड टू ट्रैक दी प्रोग्रेस तो इसमें हमसे क्या पूछी गई है करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू अब ऑप्शन बी क्यों है ऑप्शन वन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया बल्कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्किटेक्चर प्राइस। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड प्रीमियर आर्किटेक्चर प्राइजेज एंड इज ऑफन रेफर टू एज द नॉबल प्राइस ऑफ आर्किटेक्चर इट इज फाउंडेड इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन ओनली बाई जे ए प्रिट्सकर तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमारी स्टेटमेंट वन uh, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट टू क्यों हमारी गलत है क्योंकि इसको सिर्फ जे ए प्रिट्सकर ने ही नहीं फाउंड किया बल्कि उनके साथ उनकी वाइफ कैटी ने भी फाउंड किया है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोमोरोज इट इज एन आइलैंड कंट्री दैट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन इट इज़ अ मेंबर ऑफ द अरब लीग तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया आंसर तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आइलैंड कंट्री पैसिफिक ओशन में नहीं बल्कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भावना से रिलेटेड इट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विद रिलीजियस मैसेजेस प्रिवेलेंट इन अरुणाचल प्रदेश नो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये हमें कहाँ देखने को मिलता है असम में द भावनाज आर रिटर्न ओनली इन ब्रज वाली लैंग्वेजेस ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है क्योंकि ये असमीज और ब्रज वाली दो लैंग्वेजेस में हमें देखने को मिलते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया गलत स्टेटमेंट और क्योंकि हमारी दोनों ही गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बामियान से रिलेटेड इट इज सिचुएटेड इन द हाई माउंटेन्स ऑफ द हिंदू कुश इन द देंट्रल हाईलैंड ऑफ अफगानिस्तान दे वर वंस द दॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धास इन द वर्ल्ड तो हमारी यहाँ पे क्या पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम उजाला से रिलेटेड दिस प्रोग्राम इज लॉन्च इन अर्रा बिहार इन दिस प्रोग्राम एलईडीज विल भी अवेलेबल फॉर ओनली रुपीज फाइव फॉर ईच हाउस होल्ड तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली वन ऑप्शन ए ही क्यों है ऑप्शन बी क्यों नहीं है ऑप्शन बी हमारा गलत इसलिए क्योंकि एलई डीज रुपीज फाइव में नहीं बल्कि रुपीज टेन ईच में अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजी लॉकर से रिलेटेड सो डिजी लॉकर क्या है इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव

तो इसमें हमने क्या पूछी गई है इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए ओनली वन गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए हमारी स्टेटमेंट वन क्यों गलत है क्योंकि इस, इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है बल्कि ये क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन नेवल स्क्वाड्रन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन थ्री इट कॉन्टिन्यूज टू कैरी आउट डेली सर्वेलेंस ऑपरेशन एट ओवर द कॉस्ट लाइन इट वॉज कमीशन एट हेर फ्रांस तो इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीलियम से रिलेटेड हीलियम क्या इट इज कलरलेस ऑडोरलेस टेस्टलेस इनर्ट एंड अबल गैस बिल्कुल सही है इंडियाज राजमहल वॉल कैनिक ए बेसन इन झारखंड इज द स्टोर हाउस ऑफ हिलियम ट्रैफ फॉर बिलियनियंस ऑफ ईयर्स हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड से रिलेटेड तो इस क्वेश्चन में क्या है इट इज एस्टैब्लिड इन टू थाउजेंड टू बतानी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू क्यों क्योंकि स्टेटमेंट वन हमारी गलत है क्योंकि टू थाउजेंड टू में नहीं बल्कि टू थाउजेंड में ही की गई है दो हजार में स्टैब्लिश की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट The theme of for 2021 is forest restoration a path to recovery and well-being. The United Nations General Assembly pro proclaimed March 21 as the International Day of Forest in 2012. तो यहाँ पे हमारी दोनों ही statements correct है तो हमारा answer हो जाएगा option C both one and two. Next question है हमारा question 135. Tomar King Anangpal II. He built Lal Kot Fort and Anangtal Bawli. अनंक पाल तो इन द बैटल तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताने इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट है लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड दिस एनुअल अवार गिवन टू इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्स सोशल इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीन मैथड्स एंड नेक्स्ट इट इज ओपन टू ऑलर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनलैटी क्रीड रेस और सेक्स तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है लेकिन हमारी दोनों ही करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी वी पैट से रिलेटेड वीवीपैट इज ए इंडिपेंडेंट वेरीफिकेशन सिस्टम फॉर वोटिंग मशीन डिजाइन टू अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई दट दर वोट वॉज बिल्कुल करेक्ट है इट हेल्प टू डिटेक्ट पोटेंशियल इलेक्शन फ्रॉड और माल फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो ये भी करेक्ट है हमसे क्या पूछा गया करेक्ट तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशाखा गाइडलाइंस कि विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड है केस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली सॉरी ऑप्शन बी केस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल ट्वेंटी टू स्टेट्स दैट अ पर्सन केन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ अ चॉइस बिल्कुल करेक्ट है एंड आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री स्टेट नो पर्सन ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट मध्य प्रदेश एंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना बिल्कुल करेक्ट है केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है मध्य प्रदेश में हमारा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यू एन एचआरसी से रिलेटेडेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल तो इट हैज फोर्टी सेवन मेंल्ड टू फिल अप सीट्स एवरी फाइव ईयर्स इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनवर स्विट्जरलैंड तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू ऑप्शन सी हमारा क्यों गलत है क्योंकि इलेक्शंस क्या होते हैं हर साल इलेक्शंस होते हैं एनी टाइम पे नहीं होते वन वन ईयर के बाद होते हैं और वो सीट्स कब तक फिल की जाती है थ्री ईयर्स के लिए फिल की जाती है ना कि फाइव ईयर्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल वन Of the Indian Constitution states that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India. Bilkul correct. The closest mention is in Article 126 which deals with the appointment of an acting CJI. तो मानिये यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ होना है एंड Next question है हमारा ट्यूलिप गार्डन से रिलेटेड. It is the largest tulip garden in Asia spread over an area of about thirty hectares. मीन्स सेवेंटी फोर एकर्स द गार्डन इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द जबरवान रेंज तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिगमो से रिलेटेड शिगमो क्या है इट इज़ अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन फुल ऑफ कलर सॉन्ग एंड डांस रूटेड इन गोवा कल्चर एंड ट्रेडिशन्स सिग्मो इज द सेलिब्रेशन ऑफ अ रिच गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ पैडी बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर हमें यहां पे क्या बताना करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है ऑप्शन है ओनली वन सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी मणिपुर की नहीं बल्कि गोवा की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर इज एम पावर टू डिजोल्व लोकसभा नो प्राइम मिनिस्टर के रेकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है उसके बाद कौन करता है प्रेजिडेंट डिजॉल्व करते हैं प्रेजिडेंट के पास ये पावर होते हैं डिजोल्व करने की द प्रेजेंट इशूज ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉ प्रोरोगेशन ऑफ अ सेन आफ्टर द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कम्प्लीटेड एंड द प्रोजाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स दउस हाउस जो साइन डाय तो हमारे यहाँ पे क्या पूछी गई है करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी ओनली टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिगरे रीजन से रिलेटेड द टिगरे रीजन इज द नदर मोस्ट ऑफ द नाइन रीजन ऑफ इथियोपिया इट इज द होमलैंड ऑफ आयरोब एंड कुनामा पीपल्स तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केप अगुलास से रिलेटेड केप अगुलास इज अ रॉकी हेडलैंड इन वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका इट इज द जोग्राफिकल सदर्न टिप ऑफ दफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड दी बिगनिंग ऑफ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन दी अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव लक्षद्वीप एंड डिजर्ट ऑफ बड़गाम इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन टीबी 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 फ्री ऑन वर्ल्ड डे 2021 ट्राइबल इनिशिएटिव इन ऑफ मुक्त भारत है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा इन करेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सी है लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड सो इट इज अ लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी टू टैकल एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस इंडिया इन कॉम्प्रीहेंसिव मैनर बिल्कुल करेक्ट है इट्स टारगेट इट टारगेट्स टू अचीव ट्वेंटी परसेंट टू फोर्टी परसेंट रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन बाई ट्वेंटी फोर विद ट्वेंटी सेवेंटीन एज बेस ईयर नहीं ये जो टारगेट है इसको रखा गया ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी परसेंट ना कि फोर्टी परसेंट तो हमसे यहाँ पे क्या पूछी गई है इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मार्च 2021. Strategic Cooperation Pact Khajrao temples were built by the Chandail ruler between AD 900 and 1130. द खजुराव ग्रुप ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड टुगेदर बट वर डेडिकेटेड टू टू रिलीज हिंदुइज़म एंड जैनिज्म तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि गलत कथन कौन सा है तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन पैक्ट है ये रिलेटेड है चाइना और ईरान के बीच में हुए ये पैक्ट ताकि उनके जो रिलेशंस है वो अच्छे हो सके उनकी जो एंगेजमेंट है वो अच्छी हो जाए उसके लिए उन्होंने ये पैक्ट किया है अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशन्स को अच्छा करने के लिए तो यहाँ पे खजुराव का तो कोई मतलब ही नहीं है खजुराव टेम्पल्स का राइट right, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू सो ये थे गाइज हमारे आज के फिफ्टी क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्वेश्चन खत्म होते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने अप्रैल 2021 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सो so गाइज अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और अपने स्कोर हमारे पास हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा सो टिल देन थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे अड जय हिंद